रोज लिखकर नया, कलिंगा जी आपके लिए, हर रोज लिखकर नया मंजिलें नित पाइए, हर रोज लिखकर नया मंजिलें नित पाइए, जोश और जज्बा है आप में यूं ही लिखते जाइए। जोश और जज्बा है आप में यूं ही लिखते जाइए, हाथ में जब हो कलम विचार तो आ ही जाएंगे, हाथ में जब हो कलम विचार तो आते आ ही जाएंगे, उगेंगे बनके फसल नई खुशबू लिए जगमगाएंगे। मुश्किलें अगर आए राह में कलम मत हटाइए, और जोश और जज्बा है आप में यूं ही लिखते जाइए। दूसरी लाइन है, कितनी खुशी है आज हमको, कितनी खुशी है आज हमको एहसास कर ये दिल जानते, कितनी खुशी है आज हमको एहसास कर ये दिल जानते, जितनी खुशी है आपको उससे भी अधिक अपनी मानते। बौद्धिक विचार मंच को ये उपहार देते जाइए, जोश और जज्बा है आप में बस यूं ही लिखते जाइए। इन शब्दों के साथ जो है, अब मैं मधुर जी से अनुरोध करूंगा कि कलिंगा जी के संबंध में अपने कुछ विचार व्यक्त करें। और देखिए, अभी एक कविता सुना रहे थे तो मैंने भी लिख ली है, मैंने भी इनके बारे में कुछ लिख दिया है बैठे बैठे। इससे पहले कि ये लाइनें सुनाऊं जो अभी लिखी हैं, देखिए यहाँ पर जो हम बैठे हैं, कुछ दिल्ली के से भी हमारे मेहमान आए हुए हैं, कुछ गाजियाबाद से, कुछ बाहर के हैं, तो ये शालीमार गार्डन में फूल ही होते हैं ना, तो हमारे शालीमार गार्डन में भी तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, तो उन फूलों में से एक फूल जो है वो कलिंगा जी भी हैं, तो इनके लिए चार लाइनें पेश कर रहा हूँ प्योर उर्दू में। तो मैंने पहले भी कहा था कि मेरी जबान जो है शुरू में उर्दू रही। मुबारक है वो दिलकश फूल, मुबारक है वो दिलकश फूल जो गुलशन की जीनत है, मुबारक है वो दिलकश फूल जो गुलशन की जीनत है, मुबारक है वो रोशन शमा जिसमें नूर व कुदरत है, मुबारक है वो हस्ती जिसका नस्ब इन खिदमत है, ये हक है कलिंगा जी को जो हम सबके प्यारे हैं, ये सबके दोस्त हैं, हम दर्द हैं आंखों के तारे। इन्हीं शब्दों के साथ इनका स्वागत और मैं निवेदन जी का स्वागत करें। अब जैसे कालीचरण जी ने कविता सुनाई तो मैंने भी चार लाइनें लिखी हैं। कलिंगा एक इंसान की जिसकी नजर में प्यार भरा तूफान, कलिंगा एक इंसान की जिसकी नजर में प्यार भरा तूफान, कलिंगा एक किताब कि जिसका हर पन्ना जीवन की रसखान, कलिंगा एक कलमकार कि जिसकी कलम में शेक्सपियर सी शान। जिस प्रकार से शेक्सपियर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, शायद आप जानते होंगे, एज यू लाइक लिखा, मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा और भी बहुत सारे प्लेज लिखे, तो वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी कैसी अंग्रेजी थी, वो आई डोंट नो नहीं कहते थे, आई डोंट नो वट टू राइट नहीं कहते थे, वो कहते थे आई नो नॉट वट टू राइट। उनकी अंग्रेजी ये थी। तो हमारे कलिंगा जी की भी जो भाषा है, क्योंकि ये हिंदी भाषी हैं, शेक्सपियर कहा ना मैंने, तो इनकी पुस्तक जो है, जो इन्होंने लिखी, ये पुस्तक जिंदगी का आखिरी पड़ाव, जब इन्होंने लिखी तो इस पुस्तक को लेकर ये मेरे पास है मैन्युस्क्रिप्ट, इतना बंडल लेके, कहने लगे जी आप पुस्तकें लिखते हो, जरा इस पर नजर डालो। तो मैंने जब नजर डाली, अरे मैंने कहा यार ये तो कमाल कर दिया, ये तो बहुत बढ़िया लिखी हुई है, तो मैंने कहने लगे कि इस पर कुछ लिखो। तो मैंने क्या किया कि इस किताब को पढ़ने के बाद, मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, इनको मैंने लिखा समंदर को कूजे में कैसे समेटूं, तो ये मैंने एक पूर्ववाक लिखा, पूर्ववाक कहते हैं प्राकथन को, जिसको परिफेस कहते हैं, तो वो जो था वो मैंने लिखा। उसके बाद ये कालीचरण वहीं बैठे हुए थे, तो कहने लगे कालीचरण जी आप भी कुछ लिखो, तो इन्होंने पर रोचना लिखी उसकी, तो इस प्रकार से ये पुस्तक तैयार हुई। अच्छा हुआ क्या कि ये पुस्तक सन 14 में जब हमने ये गायत्री भवन में उस पुस्तक का विमोचन किया, तो 150 आदमी आ गया वहाँ पर, बकायदा खाना पीना सब कुछ था,
इतना बड़ा फंक्शन हुआ और वहां पर बैठे बैठे 100 किताबें बिक गई। 100 किताबें होता क्या है कि जितने भी विमोचित होती हैं पुस्तकें कोई खरीदता नहीं है, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे पुस्तक मिल जाए, कोई खरीदार नहीं आता। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि वहां पर इनकी पुस्तक को खरीदने के लिए लोग धड़ाधड़ आने लगे, लाइन लग गई, खैर वो पुस्तकें बिकी। और उस पुस्तक के बाद ये पुस्तक लेकर गोवा गए। ऐसा है, एक संस्था है जिसका नाम है आयुष्कान। आयुष्कान का मतलब है अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ। तो वो संस्था जो है वो हर साल देश के बड़े बड़े भागों में, बड़े बड़े शहरों में फंक्शन करती है और बुजुर्गों को सम्मानित भी करती है। तो इनकी किताब जो गोवा में गई, तो गोवा में इनकी पुस्तक को, सन 16 की बात है ना, 16 की, तो उस पुस्तक को ये हरबीर सिंह यादव जी ये भी गए थे और भी बहुत सारे लोग गए थे। तो वहाँ पर जब ये पहुँचे तो वहाँ पर वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उसने विमोचन किया पुस्तक का। बड़ी प्रसन्नता हुई कि पुस्तकें दे गया है वहाँ पर। तो उस पुस्तक का अवलोकन किया गया, नतीजा ये निकला कि इनको सम्मानित किया जाए। तो अभी 18 में 30 नवंबर को हैदराबाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इनको आमंत्रित किया गया, सम्मानित किया गया। जब इनको सम्मान मिला तो हम लोग बड़े प्रसन्न हुए कि इनको जो है सम्मान मिला है। उन्होंने इनको ये शील्ड दिया, ये वाली ये दिया, ये इनको मिली है कलिंगा जी को, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हैदराबाद 20th and 30th November 2018 ये इनको शील्ड दिया। तो हमने सोचा कि क्योंकि हमारे ये जो मंच है इसके ये सह संयोजक हैं और इनका योगदान है, तो क्यों ना हम भी इनको सम्मानित करें। तो हम भी इनको सम्मानित करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनको फूल मालाओं से सम्मानित करवाऊंगा और उसके बाद इनको हम शील्ड देंगे। विजय कौशिक जी, ये आपके बहुत बड़े मित्र हैं। हाँ, तो लीजिए, पहले तो आप इनका स्वागत कीजिए। ये मेरा सौभाग्य है। हमारे जयसवाल जी के बारे में एक बात नहीं बताई आपको, हर महीने 3 तारीख को इनके घर के, इनके दफ्तर कहिए या घर कहिए, उसके सामने जो है जो कैंप लगता है, उसके अंदर आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए डॉक्टर आते हैं। कहाँ से आते हैं? गाजियाबाद से। कवि नगर में एक आई जो है लायंस क्लब का आई हॉस्पिटल है। तो ये हर महीने में ये ना जाने कितने लोगों का ऑपरेशन, हजारों लोगों का करा चुके हैं। तो इनको हम जो है बहुत हमारे लिए पूजनीय है, अभिनंदनीय है। मैं इनसे निवेदन करूंगा। और कलिंगा जी के पुराने साथी हैं, तो ये कलिंगा जी का स्वागत करें। पुराने अभी भी साथी हैं। तिलक राज कंबोज पंजाबी सभा के अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने दोनों ने मिलकर पंजाबी सभा की यहाँ पर जो थी स्थापना की थी। लेकिन वो पंजाबी सभा जो थी सिर्फ पंजाबियों के लिए नहीं थी, कि हम ये कहें कि वो सिर्फ पंजाबियों के लिए थी, वो सर्वधर्म सभा थी, वो सर्वधर्म सभा थी। उससे और धर्मों के भी लोग जुड़े हुए थे। तो आज उसके अध्यक्ष हमारे बीच में हैं, तिलक राज जी आए और अपने पुराने साथी का स्वागत करें। संस्था है यहाँ पर, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये जो पुस्तक है ना, इसका जो प्रकाशन हुआ है वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन रजिस्टर्ड, इन्होंने किया था इसका, ये प्रकाशक है। और उसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे बीच में है आज, डीके शर्मा जी। तो आज डीके शर्मा जी भी इनका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये इनके पुराने, क्योंकि ये संस्थापकों में से एक हैं। जैसा कि आपके हरवीर जी ने लिख के दिया था अपने राइटअप में कि ये संस्थापक हैं। तो लीजिए, आप इनका स्वागत कीजिए। हमारे हरवीर जी ये भी गोवा में भी इनके साथ गए थे, ये भी इनका स्वागत नहीं करेंगे। ये किताब भी इनके हिसाब से गई है, आगे वहाँ पे जो विमोचन हुआ है ना, तो ये इनका चला जाए। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे विचार मंच के जितने संयोजक और सह संयोजक हैं, कृपया आए और इनको शील्ड दें। कलिंगा जी आई।
ये अलग बड़वाई हाथ लगा लो सभी लोग हाथ लगा लो।